हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं लिपन आर्ट करने वाली हूँ क्ले और जो हमारा कोन होता है दोनों के साथ। मैं उसमें आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या जो डिफरेंस होते हैं वो, और आपको क्ले से करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है और कोन से करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, वो सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और कैसे आप कोन के साथ और क्ले के साथ दोनों को मिक्स करके भी काम कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनको आपको हमेशा ध्यान रखना है जब आप क्ले से काम कर रहे हो या कोन के साथ काम कर रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको दोनों बताने वाली हूं। आपको जिन पॉइंट्स को याद रखना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। मैंने 5 ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं जिनकी हेल्प से जो आपका काम है वो बहुत अच्छे से और बहुत ही आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर मैंने मोल्डेड फेविक्रिल की जो क्ले आती है वो यूज़ की है। आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जब आप क्ले को मिक्स करें तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में उसको आपको मिक्स नहीं करना है। आपको हाफ पार्ट लेना है, जो हमारे 2 पाउच होते हैं एक से और हाफ लेना है दूसरे से, लेकिन एक साथ कंप्लीट पूरे को आपको मिक्स नहीं करना है। अदरवाइज जो आपकी क्ले है वो बहुत जल्दी सूख जाएगी और आप उससे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आप जब इसको कंप्लीट कर लें तो थोड़ा थोड़ा आप उसमें से लें और मिक्स करें और फिर उसके बाद काम करें। उसके बाद फिनिशिंग के लिए, जैसे अब मैंने यहाँ पे एक ब्रश लिया है और ब्रश के साथ में इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर में एक डिज़ाइन बना रही हूँ। आप चाहें तो बना सकते हैं या फिर आप ऐसे भी उसको छोड़ सकते हैं। अब क्ले से हमारा काम है जो वो हो गया है। उसके बाद हम कोन से कैसे काम करेंगे, कोन कैसे रेडी करेंगे वो हम देख लेते हैं। आपको हाफ क्वांटिटी में लेना है मार्बल डस्ट पाउडर या फिर चॉक पाउडर, और हाफ क्वांटिटी में आपको फेविकोल MR लेना है। इन दोनों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करें ताकि उसमें कोई लम्स ना रहें और वो बहुत ही स्मूथ पेस्ट बन जाए। उसके बाद आपको अपने कोन को फिल कर लेना है। कोन बनाना बहुत ही आसान होता है। अगर आप इसके लिए भी वीडियो चाहते हैं तो मैं वो भी डाल दूंगी, आप मुझे कमेंट्स करिएगा। उसके बाद आपको अपने कोन को अपने हिसाब से, आपको मोटा चाहिए तो मोटा आगे से काटें और पतला चाहिए तो पतला, उसके बाद उसको अच्छे से ऊपर से बांध देना है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है अपनी लिपन आर्ट को करते हुए, वो ये है कि आपको एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रखना है ताकि आपकी जो क्ले है वो जल्दी से सूखे नहीं। आप कोशिश ये करें कि आप फ़ैन को ऑफ रखें, ऑन ना करें, तभी आपका जो काम है वो अच्छे से होगा और आपकी जो क्ले है वो काम करते हुए जल्दी से नहीं सूखेगी। उसके बाद आपको, जब आप कोन से काम कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका जो कोन की फीलिंग है वो बहुत गाढ़ी हो गई है और वो अच्छे से नहीं चल रही है, तो आप उसको निकाल लें और उसके अंदर थोड़ा सा फेविकोल और ऐड करें और फिर से अपने जो कोन है वो फिल कर लें। आपको उसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अगर आप कोन की फीलिंग के अंदर पानी ऐड करेंगे तो जो आपका काम है वो फट जाएगा, उसमें दरारें आ जाएंगी और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ मैंने कोन और क्ले दोनों के साथ काम किया है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा काम ज़्यादा अच्छा लगा है और आप कौन सा काम पसंद करते हैं। लिया है वो मैंने एक नॉर्मल, जो हमारा घर पे कार्डबोर्ड होता है वेस्ट, वो लिया है। आप उसकी जगह कोई प्लाई का टुकड़ा भी यूज कर सकते हैं या फिर कैनवस भी यूज कर सकते हैं, जो हमारे कैनवस आते हैं मार्केट से वो। उसके बाद जो ये आप यहाँ देख रहे हैं बीच में, मैंने जो बीट्स टाइप यहाँ पे यूज़ किया है, इसकी क्लिप मैं इस वीडियो में डालना भूल गई हूँ। अगर आपको ये भी बनाना सीखना है या फिर और भी जो हमारी जो पेंटिंग्स होती हैं उनमें यूज़ करते हैं इस तरह की चीज़ें, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा शेडिंग पार्ट। जब भी आप कुछ काम कर रहे हो लिपन आर्ट से या किसी भी आर्ट से, तो उसमें आप शेड जरूर करें। शेडिंग करने से जो हमारा काम होता है वो काफ़ी उभर के आता है और बहुत ही अच्छा लगता है, उसमें एक 3D लुक आ जाता है। और सबसे लास्ट जो पॉइंट है वो आता है अपने काम को, जो आपने किया है उसको आप कैसे लंबे टाइम तक ठीक रख सकते हैं। उसके लिए आपको हमेशा अपना काम करने के बाद उसके ऊपर वार्निश लगानी है, वार्निश स्प्रे भी कर सकते हैं, और जिससे कि जो आपका काम है वो काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर।